विधानसभा सेक्स एजुकेशन के लिए है क्या? आदरणीय अशोक चौधरी जी, उन्होंने कहा क्या इस देश में कुंडम का प्रचार नहीं होता है? तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या जदयू के लोग अब विधानसभा विधान परिषद में कुंडम का प्रचार भी कराएंगे क्या? करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, जितना बड़ा घाव है, बिज्जत जो किया है अपने महिलाओं को, कोई महिला बैठने के लिए तैयार होगी क्या विधानसभा में अगर इस तरह की बातें होगी तो? नहीं, इनको सबको, मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नहीं, वो माफी मांग रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, उनके डिप्टी सीएम ने क्या कहा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये कौन सा गलत बात है, ये तो होता ही रहता है, तो वो तो गलती मान नहीं रहे। उनके डिप्टी सीएम ने इसको जस्टिफाई करने का काम किया, उन्होंने कहा कि सेक्स एजुकेशन पे बात हो रही थी, तो विधानसभा सेक्स एजुकेशन के लिए है क्या? उनके एक और मंत्री हैं आदरणीय अशोक चौधरी जी, उन्होंने कहा क्या इस देश में कुंडम का प्रचार नहीं होता है? तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या जदयू के लोग अब विधानसभा विधान परिषद में कुंडम का प्रचार भी कराएंगे क्या? लेकिन मंत्री लोग बोल रहे हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, उन्हीं के दल के हैं। हमारे मुंह से निकल गया। नहीं, उन्हीं के दल के, मुंह से एक बार निकलता है, एक शब्द निकलता है, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, और निकलता है तो लोग उसी समय दूसरे दिन माफी, और उसके बाद भी वो मांग रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो गलती, इस चीज को गलत नहीं मान रहे हैं। इन लोगों ने मिल के 13 करोड़ बिहारियों का, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में बेइज्जत करने का काम किया। नहीं, उनको बधाई देता हूँ, लेकिन उनको भी आगे बढ़ के माफी मांगना चाहिए। मेरा सुझाव उनसे, व्यक्तिगत सुझाव, महिला लोग फिर से प्रदर्शन कर रही है, करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, जितना बड़ा घाव है, बिज्जत जो किया है अपने महिलाओं को, कोई महिला बैठने के लिए तैयार होगी क्या विधानसभा में अगर इस तरह की बातें होगी तो? सबके घर में महिलाएं हैं, बहन हैं, माताएं हैं, तो इस तरह की बात करना ये अपने आप में बड़ा जुर्म है। ठीक है, विधानसभा के अंदर इम्यूनिटी होती है, कोई केस नहीं हो सकता, लेकिन ये जुर्म है। क्या चाहते हैं आप? नहीं, इनको सबको, मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। एक के बाद एक ऐसा घटना हो रहा है जिसमें लग रहा है कि वो अपने नहीं कर रहे, उनसे करवाया जा रहा है, गलत करवाया जा रहा है, तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरा तो सुझाव उनसे है कि वो अति पिछड़े की बात कर रहे हैं, तो किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, उनको अविलंब मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। नीतीश कुमार तो माफी मांग लिए, लेकिन तभी आप लोग कहाँ डर हुए? नीतीश कुमार जी के माफी मांग लेने से बिहार के जो अस्मिता को जो उन्होंने तार तार कर दिया, बिहार के स्वाभिमान को उन्होंने गिरवी रख दिया, बिहार को उन्होंने अपमान किया, बिहार के 6.5 करोड़ हमारे बहनें माताओं के साथ अपमान किया, देश के सभी नारी शक्तियों को अपमान किया, क्या उनको माफ़ी मिल जाएगी? क्या उनको मान सम्मान मिल जाएगा? इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बलात्कारी मुख्यमंत्री, जिसने लोकतंत्र का बलात्कार किया है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ़ी मांगने से निश्चित रूप से उनको माफ़ी ही मांगना है। तो बिहार के जनता और देश के जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे मांगे, उनको थोड़ा सा भी शर्म है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। देखिए, तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन पर हम लोग बधाई देते हैं, जन्मदिन की बधाई हो, लेकिन अपने जन्मदिन पर एक बगल ये भी करते हैं, जो आरक्षण बिल जिस प्रकार से लाने जा रहे हो ना नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, तो आरक्षण के ढढोला जो पीट रहे हो, तो बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मी है, उसके प्रमोशन में आरक्षण आप दोनों में चाचा भतीजा ने मिलकर ख़त्म कर दिया है, तो प्रमोशन में आरक्षण चाचा भतीजा जो ख़त्म किया, उसका भी जवाब आज सदन में दो, उसको लागू करो, नहीं तो 24 और 25 के चुनाव में बिहार के दलित समाज के लोग जो है ना, आपको चाचा भतीजा को निशनाभूत कर देगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167 00। धन्यवाद।